हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज पे बहुत सुंदर डिजाइन बना के बताएंगे। ये देखिए, ये हमने ब्लाउज की कटिंग की हुई है। ये हमारा नीचे अस्तर है और ऊपर हमने इसके ऊपर ब्लाउज का कपड़ा सिला हुआ है। ये हमारा तैयार है। हम सिर्फ आपको इस पर डिजाइन बनाकर बताएंगे। इसके बाद हमने ये बुकरम ली है। ये हमारी बुकरम है 9 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी। हमने 9 इंच चौड़ी 10 इंच लंबी बुकरम ली है। उसके बाद इस पे हम अपना डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक निशान यहाँ से ऐसे इंच टेप को बिल्कुल सीधा रख के ऐसे 3 इंच पे लगाएंगे। ये हमारा 3 इंच हो गया। उसके बाद हम यहाँ से हमें जितनी अपने बैक गले की लेंथ लेनी है, हमारा बैक गला है, जितनी हमें लेंथ लेनी है, हमें अपने बैक गले की लेंथ लेनी है 9.5 इंच। इतनी यहाँ तक लेंगे हम। या फिर आप 9 इंच भी ले सकती हैं या 9.5 भी ले सकती हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम 9 इंच ही लेंगे क्योंकि हमें नीचे भी बुकरम बचानी है गले के लिए। तो ये हमारा 9 इंच हो गया। हम इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। अब इस पे हम अपना जो डिजाइन बनाएंगे, हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे। हम यहाँ से चौक को यहाँ रख के और इस तरह से यहाँ से ऐसे सीधा चला के हल्का सा यहाँ पे इस तरह से कर्व देंगे। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे हमने हल्का सा कर्व दिया है इस प्रकार से। ये हमारा कर्व हो गया। इसके बाद हम इस एक्स्ट्रा बुकरम को निकालेंगे और जो हमें अपनी गले की रोडनेस रखनी है वो हमें 1 इंच के बराबर रखनी है। ये देखिए, ये हमारा 1 इंच है। हमें ऐसे ही चारों तरफ से ऐसे ही निशान लगाना है। इस तरह से अब हम इसे पहले एक्स्ट्रा बुकरम को कट करेंगे। अब हम अपने इस जो हमने गले का निशान लगाया था इस बुकरम को भी हम एक्स्ट्रा को निकाल के और अपना गला निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बैक वाला गला कट के तैयार है। इसके बाद हम जो डिजाइन बनाएंगे उसके लिए हमने ये पिंक और गोल्डन कलर की पट्टी से डिजाइन बनाएंगे हम अपना। और उसके बाद जो हम कपड़े को सिलेंगे उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। गले को सिलेंगे, उसके ऊपर हम इस तरह से ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, तो हम कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। हम ये कपड़ा इस ब्लाउज को इसके ऊपर तैयार करके गले को तब इसके ऊपर सिलेंगे। ये हम आपको सिलाई करते टाइम बताएंगे। अब ये देखिए, अब हम अपने गले को सबसे पहले इस कपड़े पे सिलेंगे और जो हमें गले की ब्रॉडनेस लेनी है वो लेनी है हमें 6 इंच। ये देखिए, हमने 6 इंच पे दो निशान लगाए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से 6 इंच लेना है। अब उसके बाद हम गले को इसी निशान से इसके बराबर में ऐसे ही सिलेंगे। सिलाई कुछ हमें इस तरह से लगानी है, ना बुकरम से के ज़्यादा ऊपर, ना बुकरम से ज़्यादा कपड़े से नीचे, बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है। ये देखिए, चारों तरफ से गला सिल के तैयार कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। उसके बाद हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, चारों तरफ से ऐसे ही हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे बीच सेंटर में दोनों तरफ गले पे और इस नीचे वाले कपड़े पे हमने दोनों तरफ कट लगाया है और हमने इसे पिन से बीच में से सेट कर लिया है। आप चाहें तो इस पे एक सिलाई लगा सकती हैं, वरना आप इसे ऐसे ही पिन से सेट कर सकती हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे गले के ऊपर। इससे गला टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल सीधा गला आता है, इसीलिए हम इसको ऐसे करते हैं। गले को ऐसे
इस तरह से इसी सिलाई के ऊपर हमें ऐसे कपड़े को इस तरह से, अस्तर वाला ब्लाउज है ये, इस तरह से खींच के रखना है जो बीच में बल ना आए, और इसी के ऊपर सिलाई लगानी है, इसी निशान के ऊपर। यहाँ से जैसे हमने ये कर्व दिया है उसी के अनुसार हमें सिलाई लगानी है, जैसे यहाँ से भी हमें अच्छे से कपड़ा सीधा करना है। इस तरह से हम चारों तरफ से सिलाई लगा के ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अब ये हमने सिलाई लगा ली, उसके बाद हम ये पिन निकाल देंगे और ये कपड़ा बीच में से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के, और हम सारा कपड़ा कट कर देंगे। इतना इतना कपड़ा छोड़ना है कट लगाने के लिए। और इसमें चारों तरफ कट लगानी है, जैसे यहाँ पे सिलाई से दूर सिलाई ना कटने पाए। और ये हमारा कॉर्नर है, यहाँ पे हमें ध्यान से कट लगाना है, सिलाई से दूर रह के सारे कट हमें ऐसे ही लगाने हैं इसी तरह से। और फिर गले को ऐसे पलटना है इस तरह से। यहाँ पे भी अच्छे से कट लगाना है, ये बीच सेंटर होता है। अब इस तरह से गले को इस तरह से बिल्कुल सीधा करके, तब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। बाद में हम ये सिलाई निकाल सकते हैं। इस तरह से फिंगर से गले को ऐसा करके, और तब चारों तरफ ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये हमने अपना गला बना के तैयार कर लिया है। उसके बाद हम इस पे पाइपिंग भी लगाएंगे, हम इस पे ब्लू कलर की पाइपिंग लगाएंगे और इस पिंक कलर के कपड़े से हम अपना डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम डिजाइन बनाने के लिए यहाँ से आधा इंच छोड़ के, ये थोड़ा सा कपड़ा हमें बस पाइपिंग के लिए छोड़ना है इतना, और जैसे यहाँ पे इतनी ब्लू कलर की पाइपिंग आएगी और ये सारा कपड़ा हमें इस कपड़े से कवर करना है। तो हम इतना कपड़ा छोड़ के जैसे यहाँ तक हम इतना इतना कपड़ा हम सारा छोड़ देंगे। इसके बाद ये हमारा बीच सेंटर हो गया, यहाँ से बीच सेंटर हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम अपना डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए हम यहाँ से 2 इंच की पट्टी लेंगे, जैसे ये 2 इंच है। यहाँ पे हम इस तरह से चारों तरफ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे, जैसे यहाँ से और यहाँ से भी इतना, 1/2 इंच के बराबर जो हमने पाइपिंग के लिए कपड़ा छोड़ा है वहाँ से अलग इतना, और यहाँ से ऐसे। अब इस निशान को हम ऐसे यहाँ से कुछ इस तरह से लाएंगे, ये हमारा बीच सेंटर था। इसके बाद इस निशान को हम इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ तक ये हमारा डिजाइन हो गया। ये सिर्फ हमने निशान लगाया, यहाँ पे हमें कुछ नहीं लगाना है। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, यहाँ से इतना ही, और इस तरह कुछ हमारा डिजाइन होगा जिसपे हम इस कपड़े से डिजाइन बनाएंगे।
और यहाँ तक हमारी पाइपिंग आएगी इस तरह से। इस ये वाला हिस्सा हमारा खाली रहेगा, यहाँ पे हमारी चुन्नटे आ जाएंगी। ये देखिए, ये हमने यहाँ से चौक से डार्क करके इस कपड़े को इस तरह से यहाँ से हमने डार्क करके और बुकरम को इसके ऊपर ऐसे रख के इसी निशान को हमने इसके ऊपर छाप के इस तरह की पट्टी हमने काट के तैयार कर दी है। ये देखिए, जैसे हमने इस पे निशान लगाया था उसी तरह की हमारी ये पट्टी है। अब इस पट्टी को हम सिलेंगे और तब इसके बाद इसके ऊपर सेट करेंगे। सबसे पहले हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे। अब ये देखिए, ये हमने ब्लू कलर की पाइपिंग काट के तैयार कर ली है। एक तरफ से हमने इस पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से लगाएंगे, पहले गले के ऊपर रखेंगे और फिर पाइपिंग को थोड़ा सा बाहर निकाल कर इस तरह से और इस कपड़े के ऊपर सिलेंगे। यहाँ से ऐसे हमें कर्व के हिसाब से पाइपिंग लगानी है। ऐसे ही हमें यहाँ से भी ऐसे ही लगानी है। ये देखिए, पाइपिंग लगा के चारों तरफ तैयार कर लिए। ये हमारा सीधा कपड़ा है। अब ये पाइपिंग हमारी सीधे कपड़े की तरफ आ गई और जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था ये हमारा अंदर की तरफ को ऐसे आ जाएगा और हम पाइपिंग को इसमें सेट करेंगे। इस तरह से हमें सिलाई पाइपिंग से अलग लगानी है, रेड कलर के कपड़े पे ही। ऐसे पाइपिंग को चारों तरफ से निकाल के ऐसे हम चारों तरफ से पाइपिंग ऐसे ही लगा के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे बीच में कॉर्नर था, यहाँ पे हमने पाइपिंग में कट लगाया है जिससे ये आसानी से सीधी हो जाए। और इस तरह से पाइपिंग को बराबर बराबर खींच के चारों तरफ से बराबर लगाना है। ये देखिए, जिस कलर की हमने पाइपिंग लगाई थी ब्लू कलर की, उसी कलर का हमने कपड़ा लिया है। अब हम इस बुकरम को इस तरह से इस कपड़े के ऊपर सिलेंगे। हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, जैसे हम गला फोल्ड करते हैं उसी तरह से हम। ये देखिए, इसके लिए जिस डिज़ाइन की हमने शेप काटी हुई है उसी हिसाब से हमने बुकरम काटी हुई है, ये हमने आपको बताया था। और इसी कलर की हमने पाइपिंग लगाई है, उस कलर की हमने पट्टी काटी हुई है। अब हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। चारों तरफ से इसे हम ऐसे ही सिल लेंगे इसी की शेप में। अब ये देखिए, इस पट्टी को हमने चारों तरफ से सिल लिया। इसके बाद हम इसे इसी निशान के ऊपर, जो हमारा ये निशान है इसी निशान के ऊपर हम इसे इस कपड़े में अटैच करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से हम थोड़ा सा कपड़ा रेड कलर का छोड़ सकते हैं, वरना आप चाहें तो यहाँ तक सेट कर सकती हैं। हम यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के चलेंगे इतना। यहाँ से भी हम इसी निशान के ऊपर चलना है हमें, जो हमने चौक से लगाया था इस तरह से। यहाँ से भी इतना ही। ऐसे ही हम इस तरफ से लगाएंगे। जैसे हमने इस तरफ से लगाई है ऐसे ही हम इस तरफ से लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने पिंक और गोल्डन कलर का इसमें वर्क है। हमने ये पट्टी ली है जिससे हम डिजाइन बनाएंगे। अब सबसे पहले हम पट्टी को इतना यहाँ पे सीधी सिलाई लगा के इसे सिल लेंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाना है हमें और उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे, तब हम इसे अपना डिजाइन बनाएंगे। ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसे चारों तरफ से सिलना है। ये देखिए, ये हमने सिल के तैयार कर ली है। जैसे हम डोरी बनाते हैं, डोरी हम पतली बनाते हैं, इस पे हमने ज़्यादा कपड़ा लिया है और इतना कपड़ा छोड़ के तब सिलाई लगाई है।
उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए, सीधा करने के लिए हम यहाँ से, ये हमारी मशीन वाली सुई है, इसको हम इस तरह से निकालेंगे दो बार और फिर इसे हम उल्टा करके सुई को और इस तरह से वहाँ तक बाहर निकाल देंगे। इस तरह से चारों तरफ से पट्टी को ऐसे ही बाहर निकाल देंगे। अब उसके बाद जो ये हमारा यहाँ से कपड़ा होता है, इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से अंदर करेंगे। ये हो गया अंदर, और फिर सुई को इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल टाइट बांध के और कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये बाहर निकल गया है। ये देखिए, ये हमारी पट्टी सीधी हो गई, देखिए चारों तरफ से सीधी हो गई। इसके बाद हम इसको धागे को यहाँ से निकाल देंगे। अब इससे हम अपना डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए, पट्टी को हमने चारों तरफ से सिल लिया, इसमें कोई धागा नहीं निकला हुआ है। अब हम इसमें छोटी छोटी प्लेट डालेंगे, ऐसे यहाँ पे रख के कपड़े को, और इसमें छोटी छोटी प्लेट डालेंगे ऐसे, बिल्कुल बीच में कपड़ा रखना है यहाँ पे। अब इसमें हमारा कोई धागा वगैरह कुछ नहीं निकला है, प्लेट हमें इस तरह से डालनी है ऐसे, बिल्कुल बराबर बराबर प्लेट डालनी है। ऐसे कर्व के हिसाब से कपड़े को मोड़ना है, जैसे हमने कर्व दिया हुआ है उसी हिसाब से कपड़े को मोड़ के तब चुन्नट डालनी है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम इसमें हमने गोल्डन कलर का वर्क है और इसमें ब्लू कलर की, जैसे हमने पाइपिंग लगाई थी और इसके नीचे हमने पट्टी लगाई है, उसी हिसाब से हमने ये लेस ली है। लेस को हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, जो हमने प्लेटें डाली हैं इनसे अलग, और इस ब्लू वाले कपड़े को इतना हल्का सा दिखा के तब हमें लेस लगानी है। आप चाहें तो इसे टच करके भी लगा सकती हैं, इतना प्लेटों से थोड़ा इतना कर्व के हिसाब से लगानी है ये हमें, जैसे हमने कर्व दिया है। देखिए, इस तरह से हमें ये ऐसे फोल्ड करनी है, ऐसे ऐसे मोड़नी है और तब लगानी है। यहाँ से भी हमें ये ऐसे ही लगानी है, प्लेटों पे सिलाई नहीं लगानी है, जो हमारी ये प्लेट पड़ी है उनसे अलग लगानी है सिलाई। उसके बाद यहाँ तक लाके लेस को हम कट कर देंगे। ये देखिए, जैसे हमने इस तरफ ये लेस लगाई है, उसी तरह हम यहाँ से इस गले को, यहाँ पे हमें लेस नहीं लगानी क्योंकि यहाँ पे लेस लग भी नहीं सकती। ये देखिए, लेस बाहर निकलेगी और ये गले पे चुभेगी, इसलिए हमने इसमें पहली पाइपिंग लगाई थी ताकि ये ब्लू कलर से इस लेस से मैच करे। तो हमें लेस को यहाँ से स्टार्ट करना है, इस कॉर्नर से थोड़ा आगे हटा के, और इस तरह से हमें ये ऐसे ही लगानी है जैसे हमने इस तरफ को लगाई थी। यहां तक उसके बाद हम ऐसे लेस को यहां से कट करके और एक पीस यहां से ऐसे निकाल के और तब इसमें इस तरह से ऐसे लगाएंगे। जिससे हमारा ये कॉर्नर भी ढक जाए और फुल टाइप में बन जाए लेस।
तरह से ये हमारा डिज़ाइन हो गया। उसके बाद हमारा ये कपड़ा ऐसे ही रहेगा, जो इस तरफ को हमने सिर्फ आपको इस तरफ को डिज़ाइन लगा के बताया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गला आपके सामने बन के तैयार है। इसमें हमने ये जैसे हम अपनी डोरी बनाते हैं कुर्ती के लिए, उसी प्रकार से हमने ये कपड़ा सिल के और फिर इसे सीधा किया था। इस प्रकार से हमने ये बनाई ताकि इसमें देखिए चारों तरफ से ये एकदम सही है, इसमें कोई धागा वगैरह नहीं निकला है। सिर्फ ये यहाँ से इसे हम शोल्डर में ज्वाइंट कर लेंगे और हमने इस ब्लू कलर की पाइपिंग लगाई है और इसे इसी कलर के हिसाब से हमने लेस ली है। गोल्डन इसमें वर्क है और इसमें जो धागे की कढ़ाई है ये ब्लू कलर की है। अब ये हमारा डिज़ाइन आपके सामने बन के तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।